नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि हमने आज लाइव मार्केट के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्या किया। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ कि हम जो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं मार्केट वीक है, तो मार्केट वीक है या अभी नहीं है। तो ऑलरेडी मैं अपने पुरानी लास्ट कल की वीडियो के अंदर भी आपको प्रूव कर चुका हूँ कि पिछले दो हफ्तों से हम लोग चिल्ला रहे हैं अपने टेलीग्राम और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि मार्केट वीक है, मार्केट सेल ऑन हाई है। बट स्टिल मतलब बहुत ऐसे लोग हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि जिनको केवल पर डे बेसिस के ऊपर मार्केट ऊपर जाता हुई नज़र आ रहा है, और वो लोग ठीक नहीं हैं। ठीक है, तो आज हम पहले तो देख लेते हैं हम लोगों ने क्या काम किया, उसके बाद जो है आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कल का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का क्या व्यू रहेगा। कल एक्सपायरी भी है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, चार्ट्स के ऊपर चेक कर लेते हैं अपने। तो चार्ट्स ही आपको खुल गया, ये वनडे का चार्ट खुला हुआ है मैंने, निफ्टी 50 का है, वनडे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है मैंने। तो पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा किस तरीके से, हमने जो बताया था कि मार्केट वैसे ही चला कि नहीं चला। ठीक है, तो मैं चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे चला और कैसे नहीं चला। ठीक है, तो ये चार्ट बड़ा हो गया, यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या कहते हैं, ये कैंडल्स भी दिख रही हैं वनडे की। ठीक है, तो इसको अगर 15 मिनट में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, तो 15 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, और फिर आप देखिएगा कि हमने जैसे मार्केट को कितने अच्छे तरीके से रीड किया, और उसके बाद मार्केट में हमने किस तरीके से प्रॉफिट कमाया। अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। तो होगा क्या, उससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट को रीड करना डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बिना डाटा पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट एक्चुअली नहीं चल सकती है। ठीक है, तो चलिए पहले हम चलते हैं, ये आज का पूरा दिन का है लेखा जोखा कैंडल्स के रूप में, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैंने आज की पहली कैंडल जो है आपको ये दिख जाएगी 9:15 के ऊपर, जो पहली कैंडल है ये पहली कैंडल आज की ही है। ठीक है, तो ये टोटली जो चार्ट है आज का ही है निफ्टी का। तो हम चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर और बता देते हैं कि भाई देखिए 17 जून या आज डेट देख लीजिए 17 जून की है, 17 जून आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 17 जून का डेट मैंने सबसे पहले 8:19 के ऊपर सुबह ही मैंने क्या बोल दिया था, मैंने बोला था कि आज जो है न्यूज़ ड्रिवन डे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आएगा इंटरेस्ट रेट वेवर्स के ऊपर अराउंड 11 के आसपास। मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया था कि भाई सब लोग जो है सेफ प्ले करना और लेस क्वांटिटी के साथ प्ले करना, ये सुबह का मेरा पहला मैसेज था। ठीक है, तो मैंने साथ में ये भी डाला था कि भाई आज जो है प्रीमियम डीके शुरू हो जाएगा क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो इसलिए तो अपने को क्या करना है, नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी के अंदर ट्रेड लेना है। ठीक है, आज के करंट एक्सपायरी के अंदर ट्रेड नहीं लेना, ये साफ साफ मैंने बोल दिया था। ठीक है, और साथ में मैंने एग्जैक्टली 9 बोला था कि आज शॉर्ट कवरिंग का प्लान है FII का, और शॉर्ट कवरिंग आज होगी। ये मैंने क्यों बोला था याद रखिएगा, ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मैंने कल रात को ही हमारा एक ये प्रीमियम ग्रुप का मेंबर्स का जो चैनल है इसके ऊपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मैंने कल रात को ही अपने प्रीमियम मेंबर्स को बता दिया था कि आज जो है अपना क्या है, आज जो है आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। ठीक है, इसका सिंपल सा रीज़न एक ये है कि हमने डाटा पॉइंट्स को कल रीड आउट कर लिया था। एक दिन पहले अगर डाटा पॉइंट्स आप रीड आउट करने में सक्सेसफुल होते हैं तो डेफिनेटली जो है आपको समझ में आ जाता है कि भाई मार्केट किस तरीके का रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा पेड मेंबर्स का जो प्रीमियम ग्रुप्स का मेंबर है उनका ये ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो कल रात को एक अपडेट डाली थी मैंने, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है ये अपडेट। ठीक है, साफ साफ लिखी हुई है, आपको प्रूफ भी कर दूंगा कि डाटा पॉइंट्स एक दिन पहले ही सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 11:30 की अपडेट है और ये कल रात की अपडेट है। ठीक है ना, मैंने बोला था कि एवरीवेयर नाउ द सेंटिमेंट्स आर वेरी मच नेगेटिव, इंडिया चाइना बॉर्डर फाइट
बिकॉज ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर फाइट, बट वी आई हैव पर्सनली चेक द डाटा ऑफ द FII, दे आर रेडी टू ट्रैप द वेरियस पीपल टुमारो. मतलब ये कल रात को मैं बोल रहा था आज के लिए कि उन वो वेरियस लोगों को ट्रैप करेंगे. डाटा आर इंडिकेटिंग इन एडवांस कि भाई शॉर्ट कवरिंग इज़ पॉसिबल टुमारो. तो देन वी इफ़ द गैप डाउन, मैंने पहले ही बोल दिया था अपने प्रीमियम मेंबर्स को, इफ़ वी विल गेट द गैप डाउन देन वी विल बाय द कॉल साइड. ये देखिए कल रात का ही प्लान है मेरा. तो मुझे एक दिन पहले ही समझ में आ जाता है डाटा रीड करने के बाद कि भाई किस तरीके का मार्केट रह सकता है. इसलिए मैंने आज सुबह भी अपने फ्री ग्रुप के अंदर बता दिया था कि आज शॉर्ट कवरिंग होएगी. तो आज शॉर्ट कवरिंग हुई या नहीं हुई पहले चेक कर लेते हैं. देखो मार्केट जो था गैप डाउन ही खुला. मार्केट जो खुला आपका ओपनिंग जो हुई कैंडल की, पहली कैंडल ये आपकी बनी हुई है, ओपनिंग जो हुई है 9867 के आसपास हुई है. ठीक है, मार्केट 30-40 पॉइंट नीचे गया लेकिन हमने वहाँ पे कॉल बाय किया और अपना पहला कॉल जो है यहाँ पे बुक किया. ठीक है, हमने वहाँ पे पहले कॉल को बाय किया क्योंकि हमको पता था पहले से ही कि गैप डाउन मिलेगा तो हमको वहाँ पे कॉल बाय करना है. ठीक है, हम लोग FIIs को जानते थे पहले से ही डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर. तो यहाँ पर हमने कॉल बाय किया और यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया इस लेवल के आसपास. मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमने कहाँ पर कॉल बाय किया. ठीक है, एक मिनट रुकिएगा. हाँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने बोला भी था. इन शॉर्ट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस वाले उसके अंदर, ये जो आपको मिला है 9:14 के ऊपर मैंने कहा था कि 9900 के ऊपर जाएगा तो टारगेट 9982 का मिलेगा. ये तो मैंने मार्केट ओपन होने से पहले ही बोल दिया था. 9900 के ऊपर गया, 5 मिनट टिका, तो क्या 9982 गया मार्केट? इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं चलो और यहाँ पे देख लेते हैं कि 9900 के ऊपर जो मार्केट का लेवल है 9900, ठीक है, वो कहाँ पे है? वो तकरीबन आपका यहाँ पे आता है, यहाँ पे. ठीक है, इस लेवल के आसपास आ रहा है. तो जैसे ही 9900 के ऊपर गया मार्केट, देखिए कहाँ तक मार्केट का हाई कहाँ पे बना. मार्केट का जो हाई बना वो 10,000 बना. तो हमने जो डिसाइड किया था अपने आप को, हमने आपको फ्री चैनल के ऊपर जो टारगेट्स दिए थे वो टारगेट्स अचीव हो गए. ठीक है, और अपने प्रीमियम ग्रुप के ऊपर मैंने दोपहर को बताया था कि भाई 10,000 के ऊपर मार्केट जो है नहीं सस्टेन कर पाएगी और हमने वहाँ पे एक पुट बाय किया था और वहाँ पे हमने तकरीबन ये सारे पॉइंट्स भी कवर कर लिए थे. तो ये वाली चीज़ मैंने प्रीमियम मेंबर्स को बताई थी. तो मार्केट तो एग्जैक्टली वैसे ही चल रही है जैसे कि हम लोग डिसाइड कर लेते हैं और जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं. तो मार्केट आज अगर हम वनडे की कैंडल देखते हैं, ठीक है, वनडे की अगर कैंडल देखते हैं तो मार्केट जो लोग बोल रहे हैं अभी भी कि भाई मार्केट जो है इतने दिन हो गए उनको बोलते बोलते मार्केट बुलिश है. तो ये कैंडल जो है, ये कैंडल क्या बुलिश कैंडल है? आप सोच के देखिए, क्या ये कैंडल बुलिश कैंडल है? ये कैंडल बुलिश कैंडल नहीं है सर, ये एक बेरिश कैंडल है. अगर किसी को समझ में आता है कि ये बुलिश कैंडल है तो वो अपनी नॉलेज सुधारे. ये एक बेरिश कैंडल है. तो ये जो हो रहा है पर डे बेसिस के ऊपर, पूरी मार्केट पिछले 2 हफ्ते से बेरिशनेस दिखा रही है. तो अभी भी किसी को समझ में अगर नहीं आ रहा है और वो लोग बोले जा रहे हैं, अगर कोई यूट्यूबर्स बोले जा रहे हैं कि भाई मार्केट जो है बुलिश है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, और हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लोगों की अच्छी खासी हेल्प की है, उनको अच्छे खासे ट्रेंड पकड़ाए हैं फ्री में. और जो प्रीमियम मेंबर्स हैं जो 2,500 रुपये फ़ीस देते हैं पर मंथ की, तो उनको तो हम एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स देते ही देते हैं. ठीक है, तो इस चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो, उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो और फ्री की कुछ एडवाइस जो भी आपको मिलेगी उसको आप अर्न कर सकते हो उसके अंदर पैसा. ठीक है, तो ये तो बात हुई आज की जो हमने आज काम किया. अब हम देख लेते हैं कि मार्केट कल कैसी रह सकती है. ये वनडे का चार्ट है निफ्टी 50 का. देखिए ओवरऑल क्या है कि कल है एक्सपायरी. ठीक है, 18th को, कल थर्सडे है, कल 18th है, तो 18th की पहली तो एक्सपायरी है. तो कल क्या होगा, मार्केट एक बहुत नैरो रेंज के अंदर घूमेगा. ठीक है, बहुत टाइम तक, क्योंकि उसको प्रीमियम खाना है. पहली चीज़ तो ये समझिएगा. दूसरी चीज़ समझ के लिए कि आपका 10,000 के ऊपर, ठीक है, 10,000 के लेवल के ऊपर मार्केट में क्या है, मार्केट में एक रेसिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है. जब तक मार्केट, मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी समझाया था कि जब तक मार्केट 10,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी तब तक आप कोई भी बुलिश ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा. मैं आज भी आपको 3 बार बोल दे रहा हूँ कि जब तक मार्केट ये वाला लेवल 10,005 का जो लेवल है
इसको सस्टेन नहीं करता, ठीक है, ये वाला लेवल जो मैंने लाइन खींची है आपको, जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता, और देखो 3 दिन से लगातार ये मार्केट अभी जब इस लेवल के आसपास पहुंचता है तो मार्केट में सेलिंग शुरू होती है, तो आपको शायद समझ में नहीं आए या फिर आए, मुझे समझ में नहीं आता इस चीज़ को, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि 10,000 के आसपास मार्केट में बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, और उसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा मार्केट बुलिश नहीं हो सकता। और कल क्या है, कल तो एक्सपायरी भी है, तो कल तो मार्केट वैसे भी बहुत ज़्यादा मार्केट थोड़ा सा रेंज के अंदर रहेगी, कम रेंज के अंदर रहेगी और प्रीमियम खाएगी तकरीबन 12-12.5 बजे तक, ठीक है। उसके बाद एक डाटा पॉइंट्स आपको बताएंगे कि क्या मार्केट में सिचुएशन रहेगी, क्या नहीं रहेगी, लेकिन कल एक प्रीमियम मीटिंग डे रहेगा और मार्केट अभी भी वीक है। मार्केट 10,000 के आसपास या 9900 से ऊपर अगर मिलती भी है तो वहाँ पर बुलिश मत होइएगा, वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर है, वहाँ पर आपको केवल और केवल सेल ऑन हाई करना है, जो कि हमने अपने वीकली वाले एनालिसिस के अंदर भी आपको बताया था, ठीक है। 10,000 का लेवल जो है रेसिस्टेंस लेवल है, और मार्केट जब नीचे मार्केट के लिए बहुत एक, अभी भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर जो है 9500 के ऊपर बहुत ज़्यादा पोजिशंस बननी शुरू हो चुकी हैं, तो मेरे हिसाब से एक बार 9500 ज़रूर आएगा, फ्राइडे तक आए या फिर मंडे तक आए वो ज़रूर आएगा। 10,000 के ऊपर जाना मुश्किल है अभी मार्केट का, क्यों मुश्किल है, क्योंकि सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जो रेंज है अगले 3 से 4 दिन की, वो 10,000 से लेके 9500 की है। पहली चीज़ तो ऊंचे लेवल्स पे प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, समझिए इस चीज़ को। तो ऊंचे लेवल के ऊपर जाएगा मार्केट तो आपको सेल करने का मौका मिलेगा, नई पोजीशंस क्रिएट करने का मौका मिलेगा, और हम लोग भी यही कर रहे हैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, ठीक है। तीसरी चीज़ कि बाय तब तक मैं बुलिश तब तक मत होइएगा मार्केट के अंदर जब तक वो 10,000 आपका क्रॉस नहीं कर देता है और उसको सस्टेन नहीं कर देता है। चौथी चीज़ कि अगर 10,000 आपका सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहा है, उसको आप देखिए नीचे का जो वॉल्यूम है वो ड्राई अप होना शुरू हो गया है, मतलब मार्केट जो है एक अभी 400 से 500 पॉइंट यानी कि 97 से लेके और 10,000 की रेंज में एक मार्केट कर रहा है कंसोलिडेशन कर रहा है। ये देखिए एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, तो मार्केट में जो रेंज है अभी 97 से लेके और 10,000 की ये जो रेंज है 300 पॉइंट की, इसमें कंसोलिडेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि नीचे वॉल्यूम नहीं है। तो जब वॉल्यूम नहीं होंगे तो मार्केट क्या करेगा, 300 पॉइंट के अंदर क्या कहते हैं, कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, तो क्या करेगा, उसका मेन फोकस क्या होगा, प्रीमियम खाने का होगा, ठीक है। तो मार्केट अगर वॉल्यूम नहीं है मार्केट में तो डेफिनेटली जो है आपको वहाँ पे बुलिश नहीं होना है, बुलिश तभी होना है जब वॉल्यूम आएंगे। जैसे कि यहाँ पर जब ये मार्केट बुलिश हुआ था, ये मार्केट जब बुलिश हुआ था तो क्या था, मार्केट में वॉल्यूम थे, देखो सारी की सारी कैंडल जो है ये 20 डेज़ की जो मूविंग एवरेज की लाइन है इससे ऊपर बन रहा था, लेकिन अभी क्या है, मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में चला गया है, और अभी जो है मार्केट जो है ये इस ब्लू जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आपको, 20 डेज़ के मूविंग एवरेज की जो लाइन दिख रही है वॉल्यूम वाली, इसके नीचे ही है, ठीक है। तो जब तक वॉल्यूम इसके नीचे रहेगा तो मतलब वॉल्यूम कम है मार्केट के अंदर, और मार्केट में जब तक वॉल्यूम नहीं होंगे तो आपको बड़े बड़े ना तो अपसाइड और ना डाउनसाइड ट्रेंड मिलेंगे, और वॉल्यूम जब तक नहीं रहेगा तो मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा और मार्केट नीचे भी नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से मार्केट जब तक वॉल्यूम नहीं आता है, जब तक मार्केट जो है 300 से 400 पॉइंट के अंदर रेंज में रह सकती है। 9500 का एक बार टारगेट जरूर लग सकता है क्योंकि सेल ऑन हाई मार्केट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऊपर के लेवल के ऊपर केवल और केवल सेल करना है, नीचे के लेवल के ऊपर आपको केवल और केवल बाय करना है, लेकिन बाय कब करना है, 97 या 96 के लेवल के आसपास ही बाय करना है आपको। बाकी चीज़ जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और चलिए अब हम चलते हैं अपना देख लेते हैं कि क्या बैंक निफ्टी भी वैसे ही ट्रेड कर रहा है जैसे कि हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, उसके लिए मुझे बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन करना पड़ेगा, तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूँ वहाँ पे, और बैंक निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन चली हुई है। निफ्टी के अंदर तो हमने आपको बता दिया कि सेल ऑन हाई चल रहा है, 10,000 के आसपास बहुत तगड़ा सेलिंग प्रेशर है, तो वहाँ पर बिल्कुल भी आप बाय मत कीजिएगा, और वॉल्यूम है नहीं तो इट मीन्स कि वहाँ पे कंसोलिडेशन होने के पूरे चांसेस हैं फिलहाल मार्केट के अंदर, और जो कि अभी कंटिन्यूशन चल भी रहा है पिछले 3 से 4 दिन के अंदर, ठीक है। कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था, देखिए सेम कंडीशन जो है पिछले 3 दिन से, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर भी, और मार्केट ये कंसोलिडेट कर रहा है तकरीबन कहाँ से लेके कहाँ तक, मार्केट 20,400 यानी कि 20,500 मान लीजिए मोटा मोटा,
ठीक है, 20,500 से लेके और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है 19,800 के बीच में, ठीक है। तो 700 पॉइंट की जो रेंज है ये कंसोलिडेशन जोन की रेंज है आपकी बैंक निफ्टी की फ़िलहाल। तो जैसे ही मार्केट 20,500 के आसपास जाता है तो वहाँ पे बुलिश मत होइएगा, वहाँ पे केवल और केवल सेल पोजीशंस बनाइएगा। और मार्केट फिर वहाँ पे सेल पोजीशन बनाने के बाद आपको नीचे के लेवल के ऊपर वहाँ पे आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है 19,800 के आसपास, ठीक है। तो ये प्लान है आपका बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का प्लान मैं आपको बता दिया है कि 10,000 के आसपास डेफिनेटली एक हाई सेलिंग प्रेशर जोन है। जो भी बाकी चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और आई होप कि आप सब लोगों को मेरे चैनल जो हैं और चैनल की एक्यूरेसी जो है पसंद आती होगी। तो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्रमोट करने में हेल्प कीजिए, क्योंकि जिस वक्त हमारे चैनल के 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग, मतलब जो ड्यूरिंग लाइव मार्केट आवर्स, मैं आपके सामने लाइव आ सकता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, और वहाँ पे मैं आपको लाइव हेल्प कर सकता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। तो क्या होगा कि वहाँ पर मैं आपकी और भी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को समझिए, 1,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैनल का, क्योंकि ये चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप सब लोग देख ही रहे हो। तो मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए, शेयर कीजिए, और 1,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाने में इस चैनल की हेल्प कीजिए। और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, किया कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाना ताकि कोई भी नया वीडियो यहाँ पे आता है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। चलिए तो कल मिलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे दिया गया है वीडियो के नीचे। और किसी को अगर हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसकी जो फ़ीस रहेगी वो 2,500 मंथली रहेगी, और उसके लिए आपको व्हाट्सअप जो इस लिंक के इस वीडियो के नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस व्हाट्सअप के अंदर आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर सेंड करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए तो कल मिलते हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच।